जिसमें केस जस्ट टॉकिंग विद इन 6 months माय यूट्यूब चैनल गॉट मोनेटाइज्ड। मुझे पहले समझ ही नहीं आया कि ब्रो ये हुआ क्या, ब्रांड क्या होता है, पोटेंशियल क्या है। इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। Hi guys, my name is Shama. Welcome or welcome back to my channel Chop Munch Repeat. बस आज के वीडियो में इतना ही फॉर्मल इंट्रोडक्शन होने वाला है, क्योंकि इसके आगे whatever conversation you and I we are going to have is going to be very heart to heart. अभी जो लोग मेरी OG Chop Munch audience है ना, उनको पता है कि I don't usually shoot such sit down videos and मेरा most of the content हमेशा रहा है you know fancy staycations, whether it is luxury or budget and बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके काफी काम आते हैं, जो आपको अपने ट्रैवल प्लान्स बनाने में हेल्प करती है। बट जो मेरी नई ऑडियंस है, जो आज ये वीडियो पहली बार देख रही है या पहली बार मेरे चैनल पे आई है, उनके लिए आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज मैं ये सीरीज जो नई शुरू कर रही हूँ के टॉक्स, ये मैं एक ब्लैंक स्लेट से ही शुरू करना चाहती थी। सो दिस इज द फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ के टॉक्स। अब आज की वीडियो में ना आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो व्हाट हैज बीन हैपनिंग ना कि मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट होके ऑलमोस्ट अभी 1.5-2 साल हो गए हैं, एंड इस पूरे टाइम में ना आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ओवरवेल्म्ड बाय योर रिस्पांस। आप लोगों ने हमेशा मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है एंड एक एक करके यू नो आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ते गए हो। बट रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग वन थिंग कॉन्स्टेंटली कि यार मुझे ना कुछ ऐसे पर्सनल कनेक्ट मिसिंग लग रहा है हमारे आपके बीच में। तो क्या हो रहा है कि मैं वीडियोज बनाती हूँ, मैं हमेशा की तरह वीडियोज डालती हूँ, आप लोग देखते हैं, आप लोग प्रॉपर्टीज को विजिट करते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑफकोर्स मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी रिव्यूज मुझे मिलते हैं, बिकॉज यू नो इट वन वे शोज कि हाँ आप अपना वैल्यूएबल टाइम मुझ में इन्वेस्ट कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम रिसेंटली मुझे बहुत ऐसे लगने लगा है कि यार कहीं ना कहीं यू नो मुझे जो एक पर्सनल कनेक्ट आप लोगों से बनाना था वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है इस पूरे ट्रांजिशन के बीच में। सो आई थॉट लेट्स डू वन थिंग, लेट जस्ट स्टॉप डूइंग एवरीथिंग फैंसी एंड बस अभी एक जगह बैठते हैं एंड कुछ बातें करते हैं। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट मी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि यू नो इस जर्नी में अभी इट्स हाई टाइम कि आप लोग मेरे सफर का और बड़ा पार्ट बनो एंड मैं वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ, बिल्कुल अपने दोनों हाथों से दबोचना चाहती हूँ। सो आज की वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, शुरू से शुरू करते हैं, why I quit CA and joined YouTube। सो मैं अपने बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री आप लोग को बताती हूँ एकदम ब्रीफ में। मेनी ऑफ यू नो आई एम अ महाराष्ट्रियन, मेरा जन्म मुंबई में हुआ, इथे आमचा मुंबई मध्ये। आई वॉज बॉर्न एंड परेल एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर अंटिल आई वॉज इन माई 6th। सो मेरी हाफ स्कूलिंग मुंबई से हुई, उसके बाद मेरे पेरेंट्स और हम लोग शिफ्ट हुए नवी मुंबई में। वी वॉन्टेड अ बिगर हाउस एंड ऑफकोर्स मुंबई में हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने डिसाइड किया यार नवी मुंबई में चले जाते हैं। यू नो समटाइम्स मुंबईकर से अंडरस्टैंड करेंगे कि स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हमें स्पेस की लग्जरी सबसे ज्यादा पता है। सो मेरी आधी रिमेनिंग स्कूलिंग हुई नवी मुंबई में, उसके बाद मैंने अपना कॉलेज भी यहीं पे किया। अब जब शुरुआत हुई ना कि कॉलेज के लिए कोई स्ट्रीम डिसाइड करनी है, तो मुझे एक चीज हमेशा से पता थी कि मुझे साइंस नहीं लेना है, मतलब साइंस में मेरा स्कूल में दिमाग नहीं चलता था, तो कॉलेज एंड बाद में उसके बाद आने वाले प्रोस्पेक्ट्स में तो डेफिनेटली नहीं चलने वाला था। सो आई वाज क्वाइट क्लियर कि मैं कुछ भी करूं मुझे साइंस नहीं लेना है। देन इट वाज द इजीएस्ट ऑप्शन कि ठीक है बॉस अब साइंस नहीं लेना है तो कॉमर्स तो लेना ही पड़ेगा। एंड यू नो नवी मुंबई में इफ यू ऑल नो देयर इज एसआईएस कॉलेज, तो मैंने आराम से वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मेरे मार्क्स भी थोड़े डिसेंट थे तो मुझे एडमिशन भी अच्छे से मिल गया एंड देन आई डिड माय जूनियर कॉलेज फ्रॉम देयर। अब बारी आती है 11th खत्म होके जब आप 12th में जाते हो ना, देन इट्स हाई टाइम कि अब आप लो अपने जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन कि आपको करना क्या है। तो वो पॉइंट जब मेरे लाइफ में आया ना, आई वाज काइंड ऑफ लॉस्ट, मतलब मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी सी आइडिया थी कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन यू नो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बिकॉज वो इंडस्ट्री मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करती थी फॉर वन सोल रीजन दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल एंड यू नो रोम द वर्ल्ड। व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट इट एंड यू नो पीपल अराउंड मी, दे वर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द सेम, एंड मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मतलब यू नो मैं इतना बड़ा डिसीजन ऐसे बस सोलली रिबेल बन के ले लूं कि ठीक है यार चलो आपको नहीं लगता है तो मैं तो कर रही हूँ बस। एंड दैट टाइम यू नो आई हैड अ गुड सिट डाउन कॉन्वर्सेशन विद माई फादर। माई पापा वॉज लाइक शमा योर मार्क्स आर गुड, यू हैव ऑलवेज बीन अकेडमिकली गुड, देन वाई यू वॉन्ट टू परस्यू समथिंग जिसमें आई थिंक फ्यूचर में जाके शायद स्ट्रगल हो सकता है, सो रादर यू शुड गो फॉर समथिंग यू नो मोर कन्वेंशनल। सो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया विद द आइडिया ऑफ सी ए
अब मैं ऑनेस्टली आप लोग को बताती हूँ, जब मुझे उन्होंने बताया ना कि सीए करना तुम, इट्स अ गुड, यू विल गेट अ गुड व्हाइट कॉलर जॉब, गाइस मैं बता रही हूँ मुझे सीए का फुल फॉर्म तक नहीं पता था, मतलब इतना मैं उस फील्ड से अनजान थी। सो जब मैंने अपने कोर्स की शुरुआत की ना, आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल विद मी जो एकदम ऐसे थे कि मतलब 6-7 से शायद उनको पता था कि बॉस हमें सीए करना है, वी वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन देयर वॉज मी जिसने लाइक क्लासेस आने के एक दिन पहले पता किया कि सीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यू नो वो एक फर्स्ट डिफरेंस मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ, बट क्योंकि मेरा भी कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं था कि यार कुछ और मैं ज्यादा पैशनेटली करना चाहूँ, सो आई ऑल्सो यू नो वेंट अहेड विद इट, आई एम लाइक ठीक है यार अभी चलो सामने ये चीज आ रही है तो यही कर लेते हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सीए जर्नी, यू नो स्टार्टिंग में एकदम टिपिकल रही जैसे हर सीए स्टूडेंट की होती है कि बॉस जब 12th में है तभी सीए एंट्रेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए एंट्रेंस की एग्जाम दे के रिजल्ट आने से पहले ही उसके अगले पड़ाव के एग्जाम की तैयारी चालू कर दी, देन यू नो एवरी टाइम इट हैज बीन लाइक, मतलब 12th के बाद मुझे लगता है मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया है, एवरी डे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आइदर दिस एग्जाम और दैट एग्जाम, एंड एट द सेम टाइम यू नो यू वॉन्ट टू एक्सेल इन एवरीथिंग बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। हम इंडियन बच्चों को पता है कि कितना ज्यादा अकेडमिकली कॉम्पिटिशन का स्ट्रेस होता है हम पे, एंड आई ऑल्सो डेंट वॉन्ट कि मैं कहीं पे किसी से पीछे रह जाऊँ, प्लस मैं एक मराठी मीडियम से आई हुई लड़की थी तो मेरे लिए एनी वे और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। इट इज नॉट ईजी यू नो, आप लोग फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड जब अपनी पढ़ाई एक फील्ड में करते हो, एक लैंग्वेज में करते हो, उसके बाद सडनली जब पूरा का पूरा सिलेबस एंड लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड आई वॉज लाइक वेरी वेल कोपिंग विद इट, मुझे ऐसे था कि ठीक है चलो धीरे धीरे मैं अपने पेस से कर लूंगी, एंड लाइफ वॉज ऑल्सो लाइक वेरी गुड कि हाँ ठीक है चलो मैं एक एक स्टेप करके अपने सीए के जर्नी में आगे बढ़ रही थी। मैंने अपना सीए एंट्रेंस दिया सीपीटी, उसके बाद आई गेव आईपीसीसी, वंस आई क्लियर आईपीसीसी मैंने अपनी पूरी 3 साल की आर्टिकलशिप की बेयर मिनिमम स्टाइपेंड पे, मतलब हमें हार्डली पीनट्स मिलते थे जितना काम हम लोग करते थे, हम लोग आई थिंक दिन का 9-9 घंटे ऑफिस आवर्स हमारे होते थे 3 साल के लिए, एंड ऑनेस्टली बताओ ना तो मतलब 3,000-5,000 ऐसा स्टाइपेंड मिलता था हमें, पर उस टाइम पे ऐसे लगता था ना कि पैसे से ज्यादा वो जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों यू नो हमें ऐसे दिमाग में था कि चलो आगे जाके यही काम आने वाला है, एज इफ आई न्यू कि आगे जाके मेरी लाइफ पूरा अलग ही टर्न लेने वाली है, आई विश आई न्यू दैट बट आई डिडंट नो दैट, तो मैं एक बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से आगे बढ़ रही थी। अब जब मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई एंड आई मेरी फाइनल एग्जाम, द सीए फाइनल एग्जाम जिसका हम आई थिंक 3-4 साल से एकदम बेसब्री से इंतजार करते कि बॉस बस फाइनल आ जाए और हमने फाड़ देना है इस एग्जाम में, इस फाइनल एग्जाम के लिए मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से प्रिपेयर कर रही थी जब से मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई थी, एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी बिकॉज यू नो सीए फाइनल का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत ज्यादा वास्ट होता है, एंड आपके हाथ में टाइम नहीं होता इतना। आई स्टिल रिमेंबर वी हैड वन प्रोफेसर हु हैड टोल्ड अस एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स कि आपका सिलेबस वो नहीं होता जो इंस्टीट्यूट डिसाइड करके आपको देती है, आपका सिलेबस वो होता है कि जितना आपका पढ़ के हो गया एग्जाम तक ये मेरा सिलेबस है, इसमें जाके मैंने लिखना है। तो क्या हुआ, जब मेरा पहला पेपर हुआ सीए फाइनल का, इट वॉज ओके, इट वॉज गुड, आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी। अब आई आई सेकेंड पेपर की, अब सेकेंड पेपर में ऑफकोर्स आई विल नॉट टेल यू मच डिटेल्स अबाउट इट एंड बोर यू, बट इट वॉज समथिंग जिसमें मेरा दिमाग पहले से ही ज्यादा नहीं चलता था, इट वॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी आई नो इट इज शॉकिंग कि तुम सीए कर रहे हो और तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिमाग नहीं चलता था, बट इट इज अ फैक्ट फॉर मी कि नहीं चलता था मेरा दिमाग उसमें, आई वॉज ऑलवेज वेरी स्केर्ड ऑफ दैट सब्जेक्ट, एंड क्या होता है ना कभी कभी आप गलत चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो आई थिंक मेरे साथ वही हुआ। मुझे अभी भी याद है मैं हर एक लेक्चर उस सब्जेक्ट का अटेंड करती थी ना, मुझे हमेशा डर लगता था कि शिट शमा तू एग्जाम में जाके क्या करेगी, एंड देन मैं ऐसे सोचती थी कि ठीक है यार चलो उस टाइम पे देखी जाएगी, अब मुझे स्ट्रेस नहीं करना, बट कहीं तो बैक ऑफ द माइंड आई ऑलवेज यूज्ड टू स्ट्रेस अबाउट इट, एंड वही स्ट्रेस मेरा उस एग्जाम में निकला। आई थिंक आई विल से इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ इन स्पेशली इन दोज 5 ईयर्स जो मेरी पूरी सीए की जर्नी थी ना, उसमें आई थिंक सबसे हॉरिबल दिन था वो। आई रिमेम्बर मैं वो एग्जाम में जाके बैठी, हमें 15 मिनट पहले पेपर मिलता है कि आप पेपर पढ़ो एंड उसके बाद आप एग्जाम लिखना चालू करो, क्योंकि पेपर इतना बड़ा होता है तो आपका वो 3 घंटे में से वो लोग 10-15 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। जब मैंने पेपर पढ़ा ना गाइज एंड मेरे सामने सप्लीमेंट आई, आई स्टार्टेड राइटिंग, आई लिटरली वेंट ब्लैंक, मतलब आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझसे इस बारे में रिलेट करेंगे या फिर बिलीव करेंगे, बट आई एक्चुअली वेंट ब्लैंक, एंड इट वॉज नॉट लाइक कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने फुल ऑन पढ़ाई की थी ब्रो, तो मेरे लिए और भी डिफिकल्ट था कि ये क्या हो रहा है। आई ट्राई टू पुल माई सेल्फ टूगेदर कि नहीं शमा दिस इज नॉट द टाइम वेन यू शुड पैनिक, दिस इज नॉट द टाइम वेन यू स्ट्रेस। आप लोग ने देखा होगा कभी हाफ सीए करके सीरीज आई है, उसमें मैंने जब देखा ना ओ माई गॉड, उसमें एहसास चलना है, उससे मैंने
इतना रिलेट किया बिकॉज एक्चुअली जब आप पेपर में बैठते हो ना, आप ब्लैंक हो जाते हो ना, आपके पसीने छूटने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता बिकॉज उस मोमेंट पे मेरी 5 साल की जर्नी सीधा डब्बे में जाने वाली थी एंड मुझे समझ में आ रहा था। वो 3 घंटे आई थिंक मेरे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गए। उसके बाद जब मैं घर पे आई ना, मैं बैठी, ऑनेस्टली मेरा मन ही नहीं किया आगे पढ़ने का। मतलब आई हैड 6 more papers लेफ्ट, 2 ही पेपर हुए थे मेरे, पर मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया पढ़ने का। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ। यूजुअली मैं बहुत ही एक यू नो चार्मिंग टाइप के इंसान हूँ, मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ कि चल जो हो गया आगे देखी जाएगी, लेट्स सी अहेड। बट इस टाइम पे ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। इस टाइम पे आई वाज लाइक, पता नहीं मैं कोई तो एक शेल में चली गई जहां पे मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे फील हुआ कि शमा व्हाट आर यू डूइंग, मतलब दिस इज नॉट समथिंग यू वांट टू डू एंड मे बी यू आर नॉट फिट फॉर इट एंड मे बी तूने अभी तक सिर्फ ड्रैग किया। बट वो एक चीज गाइस, बिलीव इट और नॉट, एक्सेप्ट करने में मुझे, मेरे साथ वालों को एंड आई थिंक मेरे सराउंडिंग सोसाइटी को 5 साल लग गए। दैट मे बी आई वॉज नॉट कट आउट फॉर इट। मतलब उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने उसके बाद अच्छे खासे 4-5 अटेम्प्ट्स दिए। बट जो पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ाई की थी ना, आई थिंक उसके 10 या 20% पढ़ाई भी मैं अपने अगले किसी अटेम्प्ट के लिए नहीं कर पाई। इनफैक्ट बीच में 1-2 अटेम्प्ट्स ऐसे भी आए ना जिसमें मतलब मैं एग्जाम के दिन तक आती थी एंड एक दिन पहले मैं अपने हाथ खड़े कर लेती थी कि नहीं यार मुझे नहीं देना है एग्जाम, मैं अगली बार दे दूंगी, 6 महीने बाद दे दूंगी। एंड इट वॉज द मोमेंट, मतलब यू नो काफी टाइम लगा मुझे वो एक्सेप्ट करने में। क्योंकि क्या होता ना गाइस, जब आप अपनी जिंदगी के बहुत क्रूशियल साल किसी चीज के पीछे हार्डवर्क करते हो तो वो हार्डवर्क आप एकदम से छोड़ नहीं सकते। एंड आई हैव नेवर बीन यू नो आई डोंट क्विट, आई नेवर क्विट। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी चीज पे गिव अप कर लूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ठीक है मे बी आई वॉज नॉट कट आउट फॉर इट बट आई थिंक इफ आई पुल माई सेल्फ टूगेदर एंड आई पुट इनफ एफर्ट्स मैं ये चीज कर सकती हूँ। बट इन माई केस आई थिंक वो डेस्टिनी मेरी थी ही नहीं। तो काफी यू नो इस पूरे जर्नी में मुझे शशांक भी हमेशा कहता रहता था कि शमा तुम्हें नहीं जम रहा है, तुम कुछ और कर लो, तुम कुछ और कर लो। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं यार अब ना मुझे यही करना है, क्योंकि ना ये धब्बा मेरे पे हमेशा रहेगा कि यार इसने छोड़ दिया, इसने, ये ट्रेन की आवाज आ रही है ना ओके इसने छोड़ दिया। तो मुझे ना वो चीज का इतना स्ट्रेस होता था कि एक्चुअली मुझे बाद में ऐसे रियलाइज हुआ, एक बार मैंने एकदम पैनिक सिचुएशन में आके शशांक को बोला, ही वॉज लाइक व्हाई यू वॉन्ट टू डू इट सो बैडली एंड आई लिटरली टोल्ड हिम आई कांट बिलीव आई सेड इट। आई वॉज लाइक मुझे बस ये कोर्स कंप्लीट करना है, इसकी डिग्री लेनी है एंड मुझे ये डिग्री ना बस अपने घर पे चिपकानी है एंड इसके बाद मैं जो करूंगी जो मुझे करने का मन है। एंड ही वॉज लाइक आर यू सीरियस, तुम सुन रहे हो तुम क्या बोल रहे हो। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट ओ नो ये मतलब ये मैं क्या सोच रही हूँ कि मुझे एक्चुअली उस चीज में आगे कुछ करना भी नहीं है, मैंने ये डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट यू नो ताकि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि सोसाइटी ने ये सोच के रखा है कि हाँ ये सीए कर रही है और वो मुझे लूजर ना समझे, तो अब मुझे इस चीज को करना ही पड़ेगा। तो ये जो एक थ्रू आउट सफर रहा है ना, इस मतलब मैं कहूंगी वो जो चक्रव्यूह है ना, उससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, मुझे कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही थी। एंड ऑनेस्टली गाइस आई वॉज लिटरली जॉबलेस, लाइक जॉबलेस फॉर 4 years। बहुत सारे ऐसे सीए स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल क्लियर नहीं करते या अभी भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो लोग ना कोई जॉब करते रहते हैं साइड बाय साइड, फिर एग्जाम के लिए 2 महीने की छुट्टी लेते हैं, फिर वापस वो करते हैं। एंड मुझे ना बहुत जल्दी ऐसे लग गया था कि यार ये ना आइदर दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, मतलब आइदर आप ये करो कि हाँ ठीक है कि आप छुट्टी ले रहे हो एंड आप पूरा ही अपनी जॉब छोड़ रहे हो और आप पूरा फाइनल पे फोकस कर रहे हो एंड देन आप फाइनल क्लियर करोगे 2 अटेम्प्ट के बाद, 3 अटेम्प्ट के बाद, वॉट एवर इट इज, या तो आप ऑल टूगेदर ये छोड़ के दूसरे फील्ड्स को एक्सप्लोर करो। बट दिस वॉज वन थिंग जो मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि यार मुझे ना इस चीज में नहीं पढ़ना है, मतलब कि हाँ ठीक है मैं जॉब करती रहती हूँ एंड देखती हूँ ये वो, बिकॉज मुझे पता था कि यार मेरे लाइफ के ऑलरेडी काफी क्रूशियल ईयर्स इस चीज में जा चुके हैं एंड अभी और साल मैं इसमें गंवाना नहीं चाहती। थोड़ी सी बैक स्टोरी, मतलब मेरा ये माइंडसेट क्यों था ना, सी आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, माई मदर वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, शी वॉज अ वर्किंग वुमन, शी मैनेज्ड हर हाउस, शी डिड हर जॉब वेरी वेल एंड माई पेरेंट्स बोथ ऑफ देम यू नो दे वर्क टूगेदर एंड दे गेव अ गुड लाइफ टू अस। सो मेरे दिमाग में एक फीमेल की डेफिनेशन हमेशा वही रही है जो मोस्ट ऑफ द लड़कियों के दिमाग में उनकी मम्मी की रहती है कि दिस इज हाउ योर लाइफ शुड बी। इसलिए मुझे एनी हाउ ना मुझे बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना था एंड वैसा भी इंडिपेंडेंट नहीं कि मतलब हाँ ठीक है चलो तुम छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो एंड तुम्हारा बस दिन गुजर रहा है, मुझे प्रॉपरली ऐसा कुछ करना था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली, बट मुझे ऐसा कुछ करना था ना जो मुझे ट्रू से
सेंस में ऐसे लगे कि मेरी एफिशिएंसी डे बाय डे बढ़े एंड मेरे दिन को और प्रोडक्टिव बनाए. ऐसा ना हो कि 20 इयर्स डाउन द लाइन आई हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्रो मैंने कुछ ग्रो ही नहीं किया है लाइफ में. मे बी आई हैव जस्ट बीन एंड डूइंग समथिंग व्हिच इज लाइक यू नो वेरी रिपीटेटिव एंड एक मोनोटोनस लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी. सो फाइनली आई विल नॉट से, बहुत लोग मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट दे वर द गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ. लॉकडाउन आया, गॉड सबकी लाइफ का इतना डिफिकल्ट पार्ट था ये कि मतलब लोग फ्री हो रखे थे, लोग घर पे बैठे थे, सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. मेरे को तो ऐसे भी काम नहीं था तो मैं तो वैसे भी घर पे बैठी हुई थी. अभी लॉकडाउन में क्या हुआ ना, एक हम लोग का एक चला था ट्रेंड कि सब लोग ना सब कुछ घर पे बनाने लग गए थे. अभी हम लोग मुंबई के लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा बाहर खाने का शौक है एंड उसमें भी मैं तो हमेशा से यार जंक फूड की दीवानी रही हूं मैं. आई एब्सोल्युटली लव गुड फूड. आई मीन हु डजंट, बट आई लव गुड स्ट्रीट फूड, जंक फूड, जो भी चीजें आपके हेल्थ के लिए खराब होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो व्हाट आई डिड ना कि चलो पहले कुछ दिन तो मैंने सरवाइव कर लिया घर के खाने पे, बट आफ्टर अ मोमेंट ना मेरा थ्रेशोल्ड आ गया. आई एम लाइक ब्रो आई वांट टू ईट सर्टेन फूड जो मैं बाहर से मंगा नहीं सकती, मैं बाहर जाके खा नहीं सकती, तो व्हाई नॉट टू मेक इट एट होम. सो आई स्टार्टेड कुकिंग फूड एट होम. नाउ वी आर धीरे धीरे कमिंग टू माई यूट्यूब जर्नी. दिस इज लाइक वेरी स्पेशल बिकॉज मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया कि हाउ आई केम हियर, अभी तक मेरा सफर ऐसा यहाँ तक कैसे आया. तो क्या हुआ ना कि मैंने खाना बनाना चालू किया. अब मैं इतना रेगुलरली बनाती थी ना, मैं रोज ही कुछ ना कुछ बना देती थी क्योंकि मुझे हमेशा ना शाम को वो 7 PM वाली क्रेविंग होती थी ना, उस टाइम पे मेरा सुबह से शुरू हो जाता था कि यार मुझे आज कुछ अच्छा खाना है ब्रो, आज तो मैंने खाना ही है. तो मैं उसके लिए मेहनत करने लगी. आई एम लाइक हाँ चलो आज मैं ये बनाऊंगी, कल मैं ये बनाऊंगी. बाहर से पैकेट्स आ रहे हैं, उसको सर्फ में डाल के धो रहे हैं एंड बना रहे. अभी इस टाइम पे क्या हो रहा था ना कि हम लोग ना सब कुछ ऐसा घर पे बना रहे थे. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी सोशल पर्सन, ठीक है, मैं हर चीज की स्टोरी अपने अकाउंट में डालती थी. तो मैं क्या करती थी, मैं कुछ भी बनाती थी ना उसकी फोटो स्टोरी में डाल देती थी, आज मैंने ये बनाया, कल मैंने ये बनाया. एंड वी ऑल वर मास्टर शेफ्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, नॉट ओनली मी, एवरीबॉडी वाज मेकिंग समथिंग और द अदर थिंग. तो यही मैं डाल के ना एक मोमेंट बाद मुझे ऐसा लगा कि ब्रो मेरी रोज खाने की स्टोरी डाल रहे हैं, मैं पका दूंगी लोगों को. मतलब जो लोग एक्चुअली मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं ना वो लोग पक जाएंगे मेरी ये स्टोरीज देख के. तो इसलिए आई डिसाइडेड कि यार एक काम करती हूं, मैंने नया पेज ओपन कर लेती हूं. तो इसमें सिर्फ जो लोग मुझे हमेशा रिप्लाई करते हैं ना मेरी स्टोरीज पे, वो लोग इसको फॉलो करेंगे, मैं सिर्फ उनको पकाऊंगी. दिस पेज इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक माय स्मॉल थिंग, यू नो इट्स लाइक अ स्लैम बुक जिसमें मैं अपनी खाने की मेमोरी स्टोर करूंगी. कभी जाकर मैं याद करूंगी कि यार मैंने इतनी सारी चीजें एक साथ बनाई. एंड आई यूज्ड टू लव प्रेजेंटिंग फूड इन अ प्लेट, यू नो एक सर्टन वे मैं देखती थी, मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि आप फूड को कैसे प्रेजेंट करते हो. नॉट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैंसी वे, बट यू नो एक ऑथेंटिकली एक ट्रेडिशनल वे में आप कैसे प्रेजेंट करते हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. सो आई ओपन्ड अ पेज. अभी इस पेज का नाम क्या रखना है, सो शशांक सजेस्टेड दैट यू नो आई शुड कीप लाइक ही सजेस्टेड 2-3 नेम, जिसमें से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया हाँ चॉप मंच रिपीट बिकॉज दैट इज व्हाट आई डिड द एंटायर लॉकडाउन, दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग, दैट वाज गोइंग टू बी द होल पर्पस बिहाइंड दिस पेज. सो जब मैंने इस पेज की शुरुआत की, मैं इसमें डालने लगी फोटोज बहुत सारे एंड पहले तो काफी सारे फ्रेंड्स ही फॉलो करते थे एंड यू नो काफी अच्छा सपोर्ट मिला. अभी धीरे धीरे उसके बाद ना मैंने और फोटोज डालना चालू किया. थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया आया कि इस फील्ड में सब चलता कैसे है, हाउ द कोलैबोरेशंस वर्क, ब्रांड क्या होता है, पोटेंशियल क्या है. एंड स्टिल यू नो समवेयर आई डिडंट वांट टू एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है चलो मुझे ये ऐसा कुछ करना है, बट आई वाज लाइक लेट्स गो विद द फ्लो. मैं एनीवे कुछ नहीं कर रही हूं, तो मैं कुछ तो करूं कि मैं चलो मुझे ऐसा लगे कि आज मैंने दिन में ये एक चीज कर ली. एंड मीनवाइल आई वाज लाइक आई एम फिगरिंग आउट व्हाट आई एम डूइंग विद सीए, क्या कर रही हूं मैं. एंड ऐसे ही एकदम यू नो मैंने चॉप मंच रिपीट की रैंडमली शुरुआत कर दी कि चलो जो होगा देखा जाएगा. अब धीरे धीरे क्योंकि मैं रेगुलरली पोस्ट डालती थी एवरी डे, मतलब लिटरली आई थिंक एवरी डे आई यूज्ड टू पोस्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता था ना कि यार इंस्टाग्राम ना बहुत ही एक लिमिटिंग प्लेटफॉर्म है. मतलब उसमें ना आप सिर्फ कैप्शन डाल सकते हो क्योंकि तब रील्स कल्चर भी नहीं था. सबसे पहले तो आप सिर्फ फोटो डालते हो या फिर आप सिर्फ वीडियो डालते हो एंड उसमें जो आप कैप्शन में मेंशन करो वो इतने छोटे से कैप्शन में, आधे से ज्यादा लोग तो पढ़ते भी नहीं थे कि कैप्शन में होता क्या था. तो दैट वाज अ मोमेंट आई डिसाइडेड आई एम लाइक यार आई थिंक आई नीड टू गो ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब में क्या होगा ना एक वीडियो प्लेटफॉर्म होगा, लोगों को वीडियो देखने की आदत है एंड शायद वहां पे मैं अपने आप को और ज्यादा एक्सप्रेस कर सकूंगी. ये जो मेरी हॉबी है दैट आई लव फूड सो मच, मे बी आई कैन एक्सप्लोर इट मोर देयर. एंड देन दैट्स व्हेन आई मेड माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. मतलब बहुत ही सोच विचार के बाद मैंने एक टिपिकल सी यूट्यूब वीडियो बना के डाल दी अपने पेज पे, जो आप अभी भी मेरे चैनल पे देख सकते हो. एंड दैट टाइम एकदम नूप थी मैं, मतलब एकदम नूप थी. मुझे याद है हम CST में शूट कर रहे थे, हमारा गोप्रो था, उससे जब मैं शूट कर रही थी मुझे इतनी शर्म आ रही थी. यू नो गाइस जो एक स्ट्रीट पे शूट करने का एक्सपीरियंस होता है ना, इट कैन बी स्कैरी लाइक एनीथिंग. बहुत ही आपको यू नो कभी कभी इतना डरा देता है कि शायद आप वो चीज करना ही छोड़ दोगे. सो आई स्टार्टेड लाइक दैट, आई मेड माई फर्स्ट वीडियो, आई मेड माई सेकंड वीडियो, आई मेड माई थर्ड वीडियो. नाउ आई विल से यहाँ कहीं जाके ना मेरे स्टार्स आई थिंक थोड़े से अलाइन हुए एंड माई फोर्थ वीडियो वॉज माई फर्स्ट वीडियो विच वेंट वायरल. सो वायरल
मतलब क्या, दैट इट रीच 100K. नाउ जब वो फर्स्ट वीडियो 100K गई ना, मुझे पहले समझ ही नहीं आया कि ब्रो ये हुआ क्या. मतलब मैंने तो ऐसी ही वीडियो बना के डाली थी एंड आई स्टार्टेड गेटिंग रियली गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल. वी स्टार्टेड गेटिंग फ्यू कोलैबोरेशंस, नॉट कोलैबोरेशंस कि मतलब दे आर पेइंग यू और एनीथिंग लाइक दैट, बट दे वर जस्ट लाइक कि चलो आप हमारे रेस्टोरेंट में आके शूट करोगे क्या, एंड यू नो आप वीडियो बनाओगे क्या. एंड मुझे ऐसा कुछ इस फील्ड में करना तो था ही नहीं. आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल ब्लॉगर, क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं बनाया था इसके लिए. सो आई लिटरली वेंट विद द फ्लो. आई एम लाइक ठीक है चलो, मुझे हर हफ्ते हर संडे को एक वीडियो डालनी है जैसे मैं अभी भी डालती हूँ, तो मैं मुझे कुछ ना कुछ कॉन्टेंट तो मिल जाएगा. आई यू नो आई गेट मोर थिंग्स टू रिसर्च ऑन. एंड ऐसे मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की. अब फूड से लेके मैं स्टिकेशंस तक कैसे आई ना, ये तो मैं आपको बताऊंगी एक अलग से वीडियो में, बिकॉज यू नो इसका एक सफर कुछ अलग ही रहा है मेरे साथ. बट राइट नाउ लाइक यू नो आफ्टर 1.5 year 2 years ऑफ दिस यूट्यूब जर्नी, फाइनली आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर लिविंग नाउ. फॉर लिविंग आई कांट बिलीव इट. मुझे ये बोलने में भी इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि फाइनली यू नो मैं एक ऐसे पॉइंट पे आई. बहुत वर्क किया हमने इसके टूवर्ड्स, यू नो इट इज नॉट इजी. वंस अगेन इट्स अ कॉम्पिटिटिव फील्ड, बट एज यूजुअल कोई भी फील्ड आसान नहीं है. आप किसी भी काम में जाते हो ना, उस काम के माहिर लोग वहां पे बैठे होते हैं, कुछ लोग जो काफी पहले से बैठे होते हैं, जिन्होंने इस चीज को पहले से क्रैक किया है, तो उनके बीच में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड उसके बीच में जो मैं करना चाहती थी, दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंट स्पेस फॉर माई सेल्फ इन दिस बिग इंडस्ट्री. आई वॉन्टेड टू बी दैट स्मॉल पार्ट विच पीपल रिमेंबर. सो वो करना मेरा मेन फोकस था. एंड यू नो काफी अच्छे से मेरा यू नो वो सफर एक रहा. धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड कोलैबोरेशंस. वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद मोर गुड एंड यू नो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स. एंड देखते ही देखते विद इन 6 months माई यूट्यूब चैनल गॉट मोनेटाइज. आई वॉज लाइक आर यू सीरियस, मतलब ये कैसे हो सकता है. अब तक मुझे इतना ही पता था कि हाँ ठीक है यूट्यूब से लोग पैसे कमाते हैं, बट आई डेंट नो कि एक्चुअली यूट्यूब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है. बट ऑफकोर्स इट वॉज नॉट दैट ईजी जितना कैजुअली मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं टू यू नो टू मेक इट हियर सो दैट आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाए. एंड यू नो ये सफर किसी किसी का भी अलग अलग हो सकता है. एंड इट्स नॉट दैट ईजी, यू नो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर हार्डवर्क, एट द सेम टाइम योर लक. तो वो एक अलाइनमेंट पूरी होनी चाहिए, तो ही यू नो आई थिंक यू गेट देयर. बट फाइनली जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, आई स्टार्टेड गेटिंग अ रेगुलर इनकम. मतलब मंथली मुझे एक इनकम यूट्यूब से आने लगा. अभी ये इनकम एक्चुअली इनकम बोलने लायक भी नहीं है, ये इनकम इतना छोटा सा अमाउंट होता है, बट स्टिल यू नो आपकी मोटिवेशन के लिए ये बहुत अच्छा था. बिकॉज एक चीज मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ कि जब मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे किसी चीज के, तभी भी मैं बहुत रेगुलरली काम करती थी, तभी मैं बहुत रेगुलरली एक चीज के पीछे फोकस थी, क्योंकि मैंने अपने सारी दुनिया उजड़ते हुए देखी थी. जब मेरा सीए का फेलियर हुआ, मैंने सबको देखा था कि भाई जिस चीज के पीछे तुम दिल लगा के जाते हो एंड वो चीज जब नहीं होती है तब कैसा लगता है. तो अब मेरा ये सेकंड पड़ाव था, ये मेरी सेकंड इनिंग्स थी मेरी लाइफ की. एंड आई एम लाइक ठीक है यार चलो दोबारा करेंगे, यू नो आई कैन नॉट क्विट थिंग्स लाइक दैट. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, इस मोमेंट तक भी मैंने सीए को छोड़ा नहीं था. इस मोमेंट तक भी मैं एग्जाम के फॉर्म भरी रही थी. मतलब मुझे ऐसे लग रहा था मैं इंस्टीट्यूट को हर 6 महीने में पैसे डोनेट करती थी वो एग्जाम फॉर्म की तरफ से. एंड फाइनली माय यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड. अभी ये जो मेन ट्रांजिशन हुआ ना, कि कब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना सीए एग्जाम यार इसको बोल देती हूँ बाय बाय, वो जो एक मोटिवेशन आई ना, वो हिम्मत आई कि शमा ठीक है यू हैव टू से डिफिकल्ट गुड बाय समटाइम. वो हिम्मत मुझे यूट्यूब ने दी कि मतलब आई सॉ ऑल ऑफ यू गाइज, तुम्हारे सबके इतने रिस्पॉन्सेस आते थे, इतने कॉमेंट्स आते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था. आपका एक एक व्यू भी मैं जब देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार एक वीडियो जो 10 मिनट के शूट करने में पूरा दिन चला जाता है. बिकॉज यू नो माई वीडियोज, ऑल ऑफ यू नो दे आर नॉट सिट डाउन वीडियोज लाइक दिस. रियली टेक लाइक 1 to 2 days ऑफ एक्टिव एफर्ट्स, एक्टिव शूटिंग, एंड तब जाके वो 10-15 मिनट की वीडियो फॉर्म होती है. प्लस शूट के बाद एक पूरा एडिट का प्रोसेस होता है. एंड उसके बाद जब आप लोगों के ऐसे रिस्पॉन्सेस देखते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि आई मे बिकम लाइक अ बिग यूट्यूबर. मुझे अभी भी पता नहीं है, अभी भी आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट, अभी भी आई एम इन अ लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज ये बहुत बड़ी जर्नी है. एंड यू नो यू डोंट इवन नो इफ यू गोना मेक इट और नॉट, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास क्रिएटिव. बिकॉज मैंने कितनी बार बिकॉज बोल दिया, बट व्हाट आई लर्न वन थिंग इज कि आप एक्चुअली दूसरों से बहुत ज्यादा सीख सकते हो, आप अपने व्यूअर्स से बहुत ज्यादा सीख सकते हो, बिकॉज दे आर द पीपल इन द एंड जो देख रहे हैं. एंड उनसे ज्यादा ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस आपको कोई नहीं देगा. सो यू वर्क ऑन दैट. एंड यू नो इसी तरीके से मैंने फाइनली अपना यूट्यूब का सफर एकदम ऐसे थप्पा मार के कि मैं सीए छोड़ रही हूँ, बस हो गया ये, अब मैं अपनी 100% एनर्जी इस चीज में डालूंगी. लेट्स नॉट बी सो मनी माइंडेड, लेट्स नॉट बी यू नो दैट टिपिकल सोसाइटी वाला एटीट्यूड. मुझे अपना खुद का भी छोड़ना था.
क्या होता है ना, जब आप सोसाइटी के प्रेशर में आते हो ना कहीं वो आपका खुद का भी साइकोलॉजी होता है। सो फाइनली मैंने खुद को उस साइकोलॉजी से बाहर निकाला। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू गाइस। एंड यू नो अभी ये जो आप पहला एपिसोड देख रहे हो के टॉक्स का, जिसमें के इज जस्ट टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर दी मैंने एक्चुअली, बट मैं ऐसी रियल लाइफ में हूँ, मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ। जो मेरे आस पास के लोग हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ, मेरे हर बारे में, हर टॉपिक के हर बारे में बहुत ओपिनियंस होते हैं। एंड आई एम लाइक दिस, इट्स ओके, सम पीपल मे लाइक मी, सम पीपल रियली हेट मी, बट इट्स ओके यार, मतलब आपको हर कोई पसंद तो कर नहीं सकता, बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टॉप बीइंग योरसेल्फ। एंड दिस सीरीज ऑफ हैशटैग के टॉक्स इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट इट। अब मैं छोटे से बता देती हूँ कि हैशटैग के टॉक्स का नाम भी चॉपमन रिपीट की तरह शशांक ने सजेस्ट किया है। इट इज इंस्पायर्ड बाय के ड्रामा के टॉक्स। आई थिंक इट साउंड्स गुड। इससे ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं है, दिमाग में ज्यादा कुछ और चीजों में लगाना चाहती हूँ, जिन चीजों में आप लोग शायद ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे। सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीरीज, यू कैन टेल मी रैंडमली, आई वुड लव टू हियर योर रिस्पॉन्स। जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ तारीफ करो या अच्छा बोलो, आपको कुछ नेगेटिव भी बोला तो भी आप मुझे बता सकते हो ना, आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट। दैट इज वन थिंग आई 100% गारंटी यू कि आप लोग मुझे बताओ। आई एम रेडी टू टेक दैट क्रिटिसिज्म एंड वर्क ऑन इट। सो विद दैट आई एम गोना फिनिश दिस एपिसोड ऑफ के टॉक राइट हियर। आई विल सी यू ऑन संडे विद अ फ्रेश स्टेकेशन वीडियो। बहुत मजा आने वाला है, हमने बहुत 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 अच्छा ट्रैवल व्लॉग बनाया है, विच यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय। अगले हफ्ते दोबारा वेडनेसडे को मिलेंगे एक और के टॉक्स के एपिसोड के बाद। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।